तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम आपको अपने घर के गार्डन दिखाने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ मैरीगोल्ड फ्लावर्स हैं और ये इसको हिंदी में क्या कहते हैं पर ओडिया में इसको गोंगोसिवली कहते हैं। और ये है कांचन प्लांट और ये है सदा बिहारी। ये हर महीना, साल के हर महीना में खिलता है तो इसका नाम इसलिए सदा बिहारी है। और इसके नीचे हम देखते हैं एक फ्लावर है छोटा सा, इसको कहते हैं अशोका, अशोका फ्लावर। ये बड़ा ही सुंदर दिखता है और स्पेस भी कम लेता है और इसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। और इधर चल के देखते हैं हम लोग का छोटा सा एक टायर गार्डन है। इसमें कुछ रेड कलर का मैरीगोल्ड है और कुछ छोटे छोटे पोर्चुला का प्लांट्स है। अभी कुछ दिनों से थोड़ा फ्लावर कम है, ठंड के दिन में अक्सर पोर्चुला का या कोई भी प्लांट हो, मतलब जो विंटर फ्लावर नहीं हो, थोड़ा कम हो जाता है फ्लावरिंग। और इधर थोड़ा छोटा सा शो प्लांट है, ये दिखने में बहुत सुंदर लगता है और इसका मेंटेनेंस बहुत कम है। आगे चलते हैं। ये यहाँ पे कुछ मनी प्लांट्स हैं जो हमारे घर के वॉल में हम टांग दिए हैं, ये अच्छा दिखता है। ये एक हिबिस्कस का प्लांट है जिसमें आज ही प्रूनिंग हुआ है, आज ही हमने इसके ब्रांच कटर सब यूज करके इसका ब्रांच कटिंग किए हैं। और बीच बीच में जो पेड़ पौधों का ब्रांच कटिंग करना ज़रूरी होता है, नहीं तो उसका ग्रोथ अनकंट्रोल्ड होता है और इधर उधर ब्रांचेस होने से अच्छा नहीं लगता है और उसमें फ्लावरिंग भी कम हो जाता है और जो फ्लावर का साइज है वो भी घट जाता है। तो साल में एक बार कटते रहिए। आगे इधर कुछ एरिका प्लांट्स हैं जो हाल ही में ही लगाया गया है इन पॉटों पे। ये सारे पॉट मिट्टी का है, मिट्टी का बना हुआ है और इसमें हमने कुछ खाद डाले हैं, कुछ गोबर दिए हैं। ये मिट्टी का प्लांट आसानी से मिल जाता है, गांव के आसपास में मिल ही जाता है और इसका प्राइस भी कम होता है। और ये मान लीजिए इसका यूज ख़त्म हो गया, टूट गया, तो ये मिट्टी से मिल भी जाता है, तो परिवेश के लिए ये काफ़ी अच्छा रहता है। और जो गांव में छोटे छोटे से उद्योगी हैं, छोटे छोटे जो मिट्टी के कारीगर होते हैं, उनको भी दो चार पैसा मिल जाता है इससे। तो ये मान लीजिए हो गया एक लोकल पर वोकल जैसे। आगे चलते हैं और एक गार्डन है इसमें, यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ रोज प्लांट है, करीब करीब 10-12 रोज प्लांट है, पर इनमें ग्रोथ नहीं आ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि इनको अच्छे से सनरेज नहीं मिल रहा है, लाइट नहीं मिल रहा है। इधर देखिए पेड़ पौधे भरा हुआ है तो लाइट पास नहीं होता है और इनके ऊपर आ नहीं पाता है। इसलिए गुलाब का फूल आप कहीं पे भी लगाओ, उसको सफिशेंट सनरेज चाहिए होता है। तो जोन जोन प्लांट में कांटा होता है उनको सनरेज, सनलाइट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। यहाँ पे ग्रोथ तो हो रहा है पर इसमें फ्लावर बहुत कम आ रहा है।